हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर पर कैसे बनाएं ओट्स का आटा। इसके लिए हमने लिए हैं सफोला ओट्स। ये प्लेन ओट्स हैं, मसाला ओट्स नहीं हैं। ये 1 किलो का पैकेट है। आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, किसी भी कंपनी के। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सफोला ओट्स ही लेने हैं। जो भी आपको ओट्स वहाँ मिलता हो आपके सिटी में, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ओट्स का आटा बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ ये कढ़ाई रख ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब जो हमने ओट्स लिए थे वो हम इसमें डालेंगे सारे। ओट्स को हमें भूनना है। हम इसे इसलिए भून रहे हैं कि हमारा आटा ज्यादा देर तक चले और खराब ना हो। इसे हमें मीडियम आंच पर भूनना है। आंच ना ज्यादा तेज होनी चाहिए ना ज्यादा कम होनी चाहिए। ओट्स हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। मुझे 3 मिनट लगे हैं इसे भूनने में, तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमें इसे आधे घंटे तक रखना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका आटा बना लेंगे। ओट्स हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसके लिए हमने मिक्सी का बड़ा वाला जार ले लिया है, देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स जो हमने भूने थे। अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसे पीस लिया है, देखिए। अब हम इसे छान लेंगे। इसके लिए हमने ये बर्तन ले लिया है स्टील का और आटा छानने वाली छलनी ले ली है, देखिए। इसमें हम इसे डालेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा ओट्स का आटा बनकर रेडी है। हमने इसे घर पर ही बनाया है, बहुत आसानी से बन गया है ये, और ये मार्केट से भी अच्छा बना है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो ओट्स का आटा बनाने का, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारी बाकी रेसिपीज भी इंजॉय कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।